एपिसोड की स्टार्टिंग एग्रीगर और रेड से होती है। एग्रीगर ने रेड को बेड़ियों में जकड़ा होता है। इसके बाद एग्रीगर अपने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाता है, जिसे आसमान की तरफ से इसकी स्पेसशिप नमूदार होती है। इतने में प्लम्बर भी वहां आ जाते हैं। असल में प्लम्बर एग्रीगर को ट्रेस करते हुए पहले से ही वहां घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन सब प्लम्बर्स इनविजिबल होते हैं। यही वजह थी कि एग्रीगर इन्हें देख नहीं पाता। एग्रीगर अपनी स्पेसशिप से सब प्लम्बर पर अटैक करता है। वो सब प्लम्बर्स और इनके जहाज तबाह हो जाते हैं और एग्रीगर रेड की बेड़ियां निकालकर उसको साथ लिए टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो अपनी स्पेसशिप को भी उड़ा लेता है। मगर सब प्लम्बर्स में से एक प्लम्बर बच जाता है और वो अपने टूटे फूटे जहाज में बैठकर एग्रीगर की स्पेसशिप का पीछा करता है। प्लम्बर एग्रीगर की स्पेसशिप पर अटैक करता है। एग्रीगर की स्पेसशिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इसके हाइपर ड्राइव खराब हो जाते हैं। अब एग्रीगर की स्पेसशिप ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। इसके बाद सीन बेन, ग्वेन और केविन पर शिफ्ट होता है। केविन और ग्वेन बेन को न्यू वेजिटेबल मिल्कशेक चखने को कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये वेजिटेबल ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब बेन की बारी थी। बेन आलू और टमाटर का मिल्कशेक बड़े शौक से पीता है। केविन और ग्वेन को बेन का टेस्ट अजीब ही लगता है। वो अभी सब बातें कर ही रहे होते हैं कि बेन के कुछ फैंस बेन को देख लेते हैं। केविन और ग्वेन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लग जाते हैं, जबकि बेन कहता है, जब तक मेरा मिल्कशेक ख़त्म नहीं हो जाता मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इसके साथ ही बेन अल्टीमेट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन अपने और फैंस के दरमियान बर्फ की एक बड़ी सी दीवार बना देता है। बर्फ की वजह से बेन का मिल्कशेक भी जम जाता है। इतने में ग्रैंडपा मैक्स इन सबसे होलोग्राम के जरिए रब्ता करते हैं और इन्हें किसी अहम मसले का बताते हैं। फिर हम इन सबको इसी जगह पर देखते हैं जहाँ एग्रीगर और प्लम्बर्स के दरमियान मुठभेड़ हुई थी। वहाँ वही एक प्लम्बर भी होता है जिसने एग्रीगर का पीछा करके इसकी स्पेसशिप को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। ग्वेन चारों तरफ स्कैन करती है। ग्वेन बताती है कि यहाँ एंड्रोमेडा के तमाम एलियंस भी थे, जैसे कि रेड, पेंडोर, बायवेलवन, गैलापागोस और एंड्रियास भी। बेन एंड्रियास के जिंदा होने पर शॉक होता है। केविन किसी माहिर इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव की तरह हर एंगल का जायजा लेता है और साथ साथ सबको बताता भी जाता है। सब केविन का नया रूप देखकर दंग रह जाते हैं। बेन ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे इन सब एलियंस के एग्रीगेट से बचाना होगा। आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, अब तक तो एग्रीगर आधी गैलेक्सी भी पार कर गया होगा। लेकिन प्लम्बर इन्हें बताता है कि मैंने इसकी स्पेसशिप के हाइपर ड्राइव उड़ा दिए थे, वो गैलेक्सी तक नहीं जा सकते। केविन एक बार फिर से अपना दिमाग चलाता है। वो सबको बताता है कि एग्रीगर का जहाज ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकता, वो इधर ही कहीं होगा, हम इसको ढूंढ सकते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा, ग्वेन, केविन और बेन रस्ट बकेट में एग्रीगर को ढूंढने निकलते हैं। इन्हें एग्रीगर की स्पेसशिप का सिग्नल मिल जाता है। केविन इन सबको बताता है कि एग्रीगर के जहाज का जिस कदर लीकेज हो रहा है, इसको जल्द ही रिपेयर के लिए उतरना होगा, इस तरह हम जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। ग्वेन केविन को अकेले में बात करने के लिए अलहदा से ले जाती है। ग्वेन केविन से पूछती है, तुम इस केस में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? केविन जवाब में ग्वेन को बताता है, एग्रीगर मेरी तरह ही एक ओस मोशन है, इस हिसाब से मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं और ये कि मैं भी एक प्लम्बर हूँ। फिर केविन अपने डैड का प्लम्बर बैच उसे दिखाता है। ग्वेन केविन को सॉरी बोलती है। केविन बिना कुछ बुरा माने ग्रैंडपा और बेन के पास आ जाता है। बेन इन्हें बताता है कि वो एग्रीगर के जहाज के करीब पहुंच चुके हैं। फिर जहां वो अपनी रस्ट बकेट को लैंड करते हैं, वो एक घना और अंधेरा जंगल होता है जहां एग्रीगर की लोकेशन मिली थी। फिर इन सब पर एग्रीगर के सिपाही धावा बोल देते हैं। सब इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। केविन और ग्वेन काफ़ी सिपाहियों को मार गिराते हैं। बेन लॉर्डस्टार में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ता है। ग्रैंडपा बेन को बताते हैं कि ये सिपाही बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं ताकि एग्रीगर जहाज ठीक करके यहाँ से निकल जाए। बेन अपने गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर फौरन से एग्रीगर के जहाज के पास पहुंचते हैं। पीछे से ग्रैंडपा उसे आवाज़ें देते रह जाते हैं। बेन बिना वक्त जाया किए जहाज पर जंप कर जाता है। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं कि मुझे ये एक ट्रैप लगता है, लेकिन उससे पहले कि बेन नीचे खोता, जोर का धमाका होता है। एग्रीगर का सारा जहाज तबाह हो जाता है। ग्वेन प्रोटेक्टिव शील्ड से केविन और ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन बेन का कहीं पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि लॉर्डस्टार के सारे बिखरे मैग्नेटिक पार्ट इकट्ठे होने लगते हैं। सब पार्ट्स जुड़ जाते हैं और एक मुकम्मल लॉर्डस्टार बन जाता है। सब परेशान होते हैं कि अगर एग्रीगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है। फिर सीन लॉ सॉलिड एट मिलिट्री बेस पर शिफ्ट होता है। एग्रीगर उसी जगह पहुँचता है जहाँ बेन ने रेड को कैद किया होता है। एग्रीगर को सीक्रेट लैब से अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है। केविन और ग्वेन एग्रीगर को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। फिर इन सब की मुलाकात कर्नल रोजम से होती है। कर्नल रोजम सबको बताते हैं कि लॉ सॉलिड एट में 3 घंटे पहले पुराना सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया है और जब हमारी टीम वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तो कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोका। कर्नल इनकी तस्वीर दिखाता है तो वो तस्वीर एग्रीगर के सिपाही की होती है। फिर टाइम ट्रैवलर प्रोफेसर पैराडॉक्स भी वहाँ आते हैं।
प्रोफेसर पैराडॉक्स इन्हें बताते हैं कि एग्रीगर एंट्रोपी बॉम्ब इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि मेरे पुराने टाइम पोर्टल का सोर्स है, और वो ये सब एंड्रोमेडा के एलियंस की पावर अब्सॉर्ब करने के लिए करेगा। कर्नल रोजेनबेन से कहते हैं, तुम और तुम्हारी टीम ये कोशिश करके देख लो, अगर तुम नाकाम हो गए तो हम सोलिडैड को उड़ा देंगे। प्रोफेसर पैराडॉक्स वहां से चले जाते हैं। बेन और इसकी टीम अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो जाती है। सब सोलिडैड पहुंचते हैं। हर तरफ एग्रीगर के सिपाही फैले होते हैं। बेन अल्टीमेट स्वैम फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सोलिडैड में हर तरफ लड़ाई की और फायरिंग की आवाजें आने लगती हैं। एग्रीगर अपने कैमरा की मदद से बेन और बाकी सबको देख लेता है। एग्रीगर अपने सर पर एक डिवाइस लगाता है, सेम वैसी ही डिवाइस एंड्रोमेडा के तमाम एलियंस के सर पर लगी होती है। सब एलियंस अंदर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। बेन इन्हें देखकर खुश हो जाता है, मगर वो सब उल्टा बेन पर ही अटैक करने लगते हैं। बेन को याद आता है कि इनके हेड बैच वो इन्हें पहले भी कहीं देख चुका है, और ये बैच दिमाग पर काबू पाने के लिए हैं। ग्रैंडपा इनके बैच तोड़ने के लिए कहते हैं। बायवेल्वन का बैच जैसे ही टूटता है, बायवेल्वन होश में आ जाता है और साथ ही वहां से गायब भी हो जाता है। रेड बेन को पीछे से आकर पकड़ लेता है और शॉक देता है। बेन नैनोमेक में ट्रांसफॉर्म होकर इसका भी हेड बैच तोड़ देता है। यूं बारी बारी सब एलियंस के सर से बैच टूट जाते हैं और साथ हर एलियन टेलीपोर्ट भी होता रहता है। सब अंदर एग्रीगर के पास पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा एग्रीगर से कहते हैं कि तुम इस एंट्रोपी बम को ओवरलोड कर रहे हो और कुछ ही मिनटों में वो फट जाएगा। एग्रीगर कहता है कि तब तक मेरा काम बन जाएगा, मैं इन पांचों एलियंस की पावर को अब्सॉर्ब करने के काबिल बन जाऊंगा और मुझे रोकना नामुमकिन है। केविन एग्रीगर को समझाता है कि कोस मोशन के लिए ये ठीक नहीं होता, तुम इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे और पागल हो जाओगे। लेकिन एग्रीगर कहता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। केविन फिर से कहता है मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैं छोटा था। एग्रीगर केविन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद एग्रीगर ट्रांसफर मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और सब एलियंस की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। हर चीज तबाह होने लगती है। बेन हेमंगोसोर में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर एंट्रोपी मशीन को एक पंच से बंद कर देता है। लेकिन तब तक तमाम एलियंस और एग्रीगर गायब हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीगर अब तक अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। तमाम एलियंस के कम्बिनेशन से एग्रीगर एक मॉन्स्टर बन जाता है। एग्रीगर इन एलियंस की एनर्जी के साथ साथ इनको भी अपने अंदर ले लेता है। बेन और इसकी टीम इससे काफी परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।